पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री बनाए गए दिनेश ठाकुर का जोरदार स्वागत लगातार जारी है। जहां कैबिनेट मंत्री पंचायती राज भूपेंद्र सिंह ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, तो वहीं अन्य लोगों के द्वारा भी लगातार उन्हें शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। इस दौरान दिनेश ठाकुर से जब बात पब्लिक टीवी के द्वारा की गई, तो उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने विरोध करने वाले किसानों को लेकर कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, क्योंकि किसान तो सिर्फ अपने खेतों में काम कर रहा है। इस दौरान दिनेश ठाकुर ने अन्य विभिन्न गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा की। आइए जानते हैं क्या कहना है दिनेश ठाकुर का। मुझे मेरी पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया है, क्षेत्र का महामंत्री किसान मोर्चा नियुक्त किया है और पार्टी की कसौटी में खड़ा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। जिस विश्वास से पार्टी ने मुझको महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा है, मैं पार्टी की नीत और रीत, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, माननीय योगी जी की योजनाएं, जन जन जाके किसानों के बीच जाके उनको बताऊंगा और उनका क्रियान्वयन कराऊंगा। किसान हमसे नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। किसान जो असल किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा है, धान और ईक की देख रेख कर रहा है। जो किसान हमारे जो धन्य बैठे हैं तथाकथित, वो आरती हैं, वो व्यापारी हैं, वो किसान की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं, ना कि किसान हैं। वो कांग्रेस और समाजवादी दोनों गुमराह करने के लोग प्रयास कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उनके पास नहीं कुछ भी, हताश हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार से। चाहे वो समाजवादी है और चाहे वो कांग्रेस है, दोनों परेशान हैं। कहीं जनाधार धरती पर नहीं है, तो उन्होंने एक प्रयास किया है ये जगह जगह छोटे छोटे काम करने के। तो ये जो किसान यूनियन है, ये किसान यूनियन नहीं है। किसान तो असल खेत में के अंदर है, ये तो समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं। अच्छा, आप पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसमें क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? मैंने जिले के कप्तान यानी कि SSP को स्पष्ट कहा कि मेरे प्रति जो एप्लीकेशन आई है उसकी FIR दर्ज करिए और इसकी तह तक जाइए, ये योजना कहाँ बनी है मेरे खिलाफ। अगर मेरे ऊपर कोई चार्ज साबित हो जाए वित्त का, तो अपनी राजनीति को किनारे कर दूंगा। क्या लगता है कि ये संडर तो है ही, 100% है। मैंने SSP से भी कहा कि उस स्थान की लोकेशन चाहिए मुझको जहाँ योजना बनी है, और ये लोकेशन में कप्तान साहब से पुनः एक दिन जाके लोकेशन मुझे हर हाल में चाहिए। किसके घर बन के योजना बनी है, कौन लोग पीछे हैं इसके, ये सब चंद दिनों के सामने आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास करूँगा, ग्रामीणों के जाऊंगा, वहीं प्रवास करूंगा, रात्रि वहीं निभाऊंगा गांव के अंदर, जहां जहां जिस जिस गांव में जाऊंगा, जहां मैं पंचायत करूंगा किसानों के बीच। और भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के देख रेख में उत्तर प्रदेश में चल रही है, 300 के पार विधायक आएंगे और सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, योगी जी ही पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो अपना दावा कर रहा है, हताश है, निराश है? हमको तो कभी कभी लगता है कि ये पता ना क्या हो गया इनको, पार्टी वालों को, दिशाहीन लोग हैं ये, दिशा से भटक गए हैं। जब जनता ही आपके साथ नहीं है तो कहाँ धरना, कहाँ प्रदर्शन। कभी किसान के रूप में किसान समाजवादी किसान ही बैठ जाते हैं लाल टोपी लेके। ये लाल टोपी हरी टोपी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता जानती है कि किसने काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है और उस मूल मंत्र से हम चल रहे हैं आगे, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।